बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारा टॉपिक है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी स्टार्ट करते हैं। इलास्टिसिटी क्या होता है? इलास्टिसिटी एक इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि आपका इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक वाला टॉपिक कौन सा था। आई थिंक सो कोई आपके पास जो रीमान कर्वेचर से ऊपर नीचे कोई टॉपिक था आपके पास। डिजिटल आंसर के बाद हमने फिजिकल इंटरप्रिटेशन पढ़ी थी, वहाँ पर आपने इंट्रेंसिक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। तो वहाँ पर भी हमने कुछ देखा था कि मैट्रिक टेंसर इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी होती है, वहाँ पर कुछ एग्जाम्पल सीखी थी। तो मैट्रिक टेंसर इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी होती है, ये आपके पास एमसीक्यूज भी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से इलास्टिसिटी भी आपसे पूछ सकता है कि इंटेंसिक है कि एक्सटेंसिक है। अब इलास्टिसिटी होता क्या है? इलास्टिसिटी के अंदर आप स्प्रिंग की एग्जांपल ले लें। अगर आप स्प्रिंग को खींचते हैं तो वो वापस थोड़ी देर बाद अपनी असली शक्ल के अंदर डिफॉर्म हो जाता है, अपनी रियल शेप के अंदर। तो इफ द डिफॉर्मेशन इन द बॉडी स्ट्रेस डज नॉट एक्सीड अ सर्टेन लिमिट कॉल्ड द इलास्टिक लिमिट, द बॉडी विल रिटर्न टू इट्स इनिशियल शेप व्हेन द स्ट्रेस इज रिमूव्ड। मतलब अगर जितनी देर आपने उस स्प्रिंग को खींचने के बाद जैसे ही आप छोड़ देंगे वो वापस अपनी असली शक्ल में वापस आ जाएगा। तो जब वो वापस अपनी उस शेप में वापस आ गया तो उसको आप कहेंगे इलास्टिसिटी। इसके बाद जो नेक्स्ट है, रिलेशन ऑफ द स्ट्रेस इज इन्फिनिटेसिमल स्मॉल देन द अमाउंट ऑफ स्ट्रेन विच इज आल्सो स्मॉल। अगर स्ट्रेस स्मॉल होगा, मतलब स्ट्रेस को हमने किस तरह से रिप्रेजेंट किया था, सिग्मा से, तो स्ट्रेन की अमाउंट भी उतनी ही स्मॉल होगी। इज लीनियरली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन एंड मे बी रिटर्न एज, और आपके पास एप्सिलॉन और जो आपके पास स्ट्रेन और स्ट्रेस हैं वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। और उसके लिए हम यहाँ पे एक एस कॉन्स्टेंट लेंगे। एस जो है वो इलास्टिक कंप्लायंस है एंड सी जो है वो इलास्टिक स्टिफनेस होगी। अब देखें एप्सिलॉन इज इक्वल टू एस सिग्मा हो गया है यहाँ पे, और यहाँ आप यहाँ पे सिग्मा को इक्वल टू सी एप्सिलॉन लिख सकते हैं। सिग्मा और एप्सिलॉन भी तो आपस में एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो सकते हैं, या एप्सिलॉन और सिग्मा भी तो प्रोपोर्शनल हो सकते हैं। जब एप्सिलॉन सिग्मा के प्रोपोर्शनल है तो उसके लिए कॉन्स्टेंट हमने सी एस यूज़ किया, और जब सिग्मा एप्सिलॉन के प्रोपोर्शनल है तो उसके लिए सी यूज़ किया। इन ऑर्डर टू रिलेट टू सेकेंड रैंक टेंसर एंड फोर्थ रैंक टेंसर इज नेसेसरी स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। अब देखें, अब आपके पास यहाँ पे आप जो बात बता रही हैं वो क्या है कि अगर आप इन दो रैंक के टेंसर्स, दो आपके पास ये टू सेकंड रैंक के टेंसर हैं, तो अगर आप इनको रिलेट करें तो आपके पास एक फोर्थ रैंक का टेंसर भी होगा। वो किस तरह से होगा? आप इलास्टिसिटी टेंसर एप्सिलॉन आई जे, आपके पास जो आपने एप्सिलॉन आई जे कंपोनेंट पढ़ा और एक आपने डब्ल्यू आई जे कंपोनेंट पढ़ा, लेकिन अगर हम यहाँ पे एप्सिलॉन आई जे की बात करें तो इसको आप टेंसर फॉर्म में लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे? एप्सिलॉन आई जे एस आई जे के एल सिग्मा के एल फॉर्म लिखेंगे। इसके बाद आपके पास जो सिग्मा आई जे जब एप्सिलॉन के प्रोपोर्शनल है, आप देखें आपके पास ये दोनों स्ट्रेस और स्ट्रेन सेकेंड रैंक के टेंसर थे, इसके लोअर इंडस्ट्रीज में टू पड़ी, इसके लोअर इंडस्ट्रीज में टू पड़ी। लेकिन अगर हम इसको फोर रैंक का टेंसर बनाएं तो किस तरह से बनाएंगे, ये देखें यहाँ पे आपके पास इसका, अब आपके पास एस आई जे के एल सी आई जे के एल, तो ये आप बस एक फोर रैंक का टेंसर बन चुका है और ये इसके कंपोनेंट्स आ गए हैं के एल, और यहाँ पे इसके लिए के एल कंपोनेंट। अब ये जो एस आई जे के एल है ये इलास्टिसिटी टेंसर होगा रिलेटेड टू चेंज इन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम जैसे ही आप स्प्रिंग को खींचेंगे उसका वॉल्यूम, पहले उसकी शेप चेंज होगी, उसका वॉल्यूम चेंज होगा व्हेन सब्जेक्ट टू एन अप्लाई, जब आप उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे। इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ स्टिफनेस टेंसर। एस और सी एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। उसके बाद कंपोनेंट्स हैं एस आई जे के एल के इलास्टिसिटी टेंसर की। अगर आपके पास टू डायमेंशनल है तो उसके लिए आपके पास, क्योंकि ये फोर रैंक का टेंसर होता है, तो टू इंटू फोर आपके पास 16 कंपोनेंट्स आएंगे। अगर आपके पास थ्री डायमेंशनल है तो आपके पास 81 जो है वो कंपोनेंट्स आएंगे। तो थ्री डायमेंशनल के लिए 81 टर्म इन द फोर रैंक टेंसर। हाउएवर द बोथ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर सिमेट्रिक टेंसर। जो सिग्मा आई जे के एल, सॉरी सिग्मा आई जे और जो एप्सिलॉन आई जे होते हैं ये दोनों सिमेट्रिक होते हैं, ये हम पहले भी बात देख चुके हैं। लेकिन जो डब्ल्यू आई जे था वो आपके पास एंटी सिमेट्रिक होता था, ये आपने याद रखनी है। नीडेड टू कैलकुलेट एप्सिलॉन आई जे फ्रॉम सिग्मा आई जे। अब हम सिग्मा आई जे के अंदर से एप्सिलॉन आई जे की जो इक्वेशंस हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए अब आपके पास जो एप्सिलॉन आई जे था वो किसके इक्वल था? एस आई जे के एल। यहाँ पे ये देखें एप्सिलॉन आई जे एस आई जे के एल सिग्मा के एल के इक्वल था। तो सिग्मा के एल की मदद से हम एप्सिलॉन आई जे को फाइंड आउट कर सकते हैं, सिक्स इक्वेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। आप हर इक्वेशन के अंदर आपके पास सिक्स इंडिपेंडेंट टर्म्स आएंगी। इंडिपेंडेंट टर्म्स कौन सी थी? वन टू था तो टू वन है, थ्री वन है तो वन थ्री है, टू थ्री है तो थ्री टू है। तो देयरफॉर देयर कैन बी नो मोर देन 36 इंडिपेंडेंट वैल्यूज इन एस आई जे के एल। तो अगर आप इसका एप्सिलॉन फाइंड आउट करते हैं, मतलब अगर आप आई और जे को फिक्स कर लें, आई और जे को मैंने 11 रख लिया, आई जे को जब आप 11 रख लेंगे तो आपके पास यहाँ पे भी आई जे की जगह 11 आ जाएगा। अब बात आती है कि आपने के एल को क्या वैल्यू देनी है। तो के एल को वैल्यू इस तरह से देते हैं, आपके पास जो मैट्रिक्स फॉर्म थी, जैसे आप 11 लिखते हैं 1 2 1 3, फिर 2 1, फिर यहाँ पे अगर आप 2 2 लिखते हैं, फिर 2 3 लिखते हैं, फिर इसी तरह से आपके पास 2
अगली वाली रो आएगी 3132 3333 आएगी, तो आपने इसको वैसे ही वैल्यू देते जाने हैं। आई जे को तो हमने फिक्स कर लिया, आपने इसको लिख लिया आई जे को 11 लिख लिया सब सारी टर्म्स के अंदर। बाकी टर्म्स में सबसे पहले आपने 11 लिखा, फिर 12, फिर 13 जैसे कि मैट्रिक्स फॉर्म है, फिर 21, फिर 22, फिर 23 लिखा, फिर इसके बाद नेक्स्ट में 31, 32 और 33 लिखा, और आई जे देखें 11 फिक्स है। सिमिलर केस आप एप्सिलॉन 12 फाइंड आउट कर सकते हैं, 12 है तो अब आपने 12 को फिक्स कर लिया। उसी तरह से मैट्रिक्स की फॉर्म लिख रहे जाएं, आई जे 11 रखें, फिर सॉरी के एल 11 रखें, फिर 12 रखें, फिर 13, फिर 21, 22, 23 और फिर 31, 32, 33 रखें, तो ये आपके पास अच्छे। इसी तरह से अगर वो आपको कोई और भी एप्सिलॉन आई जे कहता है तो हम वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ तक था आपका सिलेबस MTH 623 का। होप सो आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा हो गया होगा। अगर आपको कोई बात यहाँ पर मेरे से कहते हुए बुरी लगी तो आप MTH 623 टेंसर एनालिसिस का कोर्स, तो अगर कोई बात मैंने गलत बता दी हो या मैंने कहीं भी मैंने कुछ गलत लाइन बोल दी हो, कोई मिस अंडरस्टैंडिंग हो गई हो, तो आई एम सॉरी। जितना मेरे पास था मैंने आगे डिलीवर कर दिया है। अगर आपको इसी तरह से कोई और वीडियो लेक्चर्स भी चाहिए किसी और बुक के भी, तो आप नीचे कमेंट कर दें। इसी तरह से वीडियोज़ आती रहेंगी अगर आप मुझे सपोर्ट करते रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक कर दें, MTH 623 की अपने फ्रेंड्स के साथ, आने वाले स्टूडेंट्स के साथ प्लेलिस्ट को शेयर करें, इसी तरह से प्रमोट करें और सपोर्ट करें। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।